मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल पल्लवी व्लॉग्स। टुडे इज 6th of August, आज है फ्रेंडशिप डे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सुबह सुबह उठ के मैं व्लॉग वगैरह एडिट करने लगी थी, मैंने अपलोड पे बैठाया मेरा बर्थडे वाला व्लॉग। आई नो व्लॉग्स थोड़े से लेट आ रहे थे, जो लास्ट व्लॉग्स आपने देखा कि मैं घर गई हुई थी तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, सुबह से बहुत ही ज़्यादा से क्लाउडी वेदर है। वैसे फ्रेंडशिप डे ऐसा कुछ खास प्लान तो है नहीं, क्योंकि वेदर का बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कलकत्ता का, कभी भी बारिश हो जाती है। तो वी थॉट जस्ट विल चिल एट प्लेस। आज बनने वाला है चिकन बिरयानी स्पेशल हमारे घर में। तो मानस गए थे बाहर कुछ लाइक 5-10 मिनट्स पहले ही गए, तो बारिश नहीं हो रहा था एंड आई एम श्योर वो फंस गया बारिश की वजह से। थोड़ा बिरयानी की राइस एंड कुछ कुछ सामान लाने के लिए, तब तक मैंने थोड़ा क्लीनिंग वगैरह कर लिया। मैंने सोचा ना व्लॉग करते हैं, आज स्पेशल डे है। जैसे भी होगा जो भी होगा, आई कीप व्लॉगिंग, यू कीप वॉचिंग। तो चिकन बिरयानी का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे बन रहा है सबसे पहले चिकन, इसको बनाने के बाद हम लोग मैं बाकी का आप लोगों को दिखाती हूँ। हे गाइस, इग्नोर माय हेयर स्टाइल। लंच वगैरह करके बढ़िया सा मील मार लिया था हमने। अभी अराउंड 6 o'clock हो रहा है एंड नीचे है ना पानीपुरी वाले भैया आ रहे हैं। वो रोज शाम में जाते हैं, हम घंटी को ज़्यादा जाते हैं, अभी हमने उनको रोका है। तो अभी जल्दी से जाएंगे नीचे एंड खाएंगे पानीपुरी। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। कोलकाता में पानीपुरी में प्याज नहीं डालते, तो हम अलग से अपने लिए ले जाते हैं प्याज और कटोरा। और ये रही भैया की गाड़ी, भैया हमें बिल्डिंग के सामने लगाते हैं और बढ़िया हमारे ही सामने बनाते हैं एंड बहुत अच्छा बनाते हैं। पानी पूरी खाने के बाद अब टाइम है दही फुचका खाने का। लिटरली दही फुचका इज़ माय फेवरेट, और यहाँ कोलकाता में तो बहुत ही बढ़िया, मतलब फुचका इज़ तो इमोशन फॉर कोलकाता एंड यहाँ का दही पूरी इज ऑल्सो इक्वली गुड। शाम में बज रहे 8 और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग तो हो नहीं रहा था पूरे दिन में, तो हमने सोचा कि चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। तो हमने टिकट बुक कर लिया है गदर 2 मूवी का, तो आज हम जाने वाले हैं गदर 2 मूवी देखने। 9:15 का है हमारा मूवी, तो हम 9:45 तक निकलेंगे। इट्स वेरी नियर, क्योंकि फुल हाउस होने वाला है, काफ़ी ट्रैफिक होने वाली है, इसलिए जल्दी निकलेंगे। हे गाइस, हम लोग हो गए रेडी। तो आज है न्यू डे एंड न्यू मूवी। यस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गदर 2 मूवी देखने के लिए। हमारा 9:15 का शो है, तो अब चलिए चलते हैं। मूवी स्टार्ट होने से पहले ही हमने यहाँ पे ढेर सारा चिप्स पॉपकॉर्न कोक वगैरह लेकर बैठ गए हैं रेडी फॉर द मूवी। फर्स्ट डे लास्ट शो मूवी लेके हम निकल गए हैं। कल रात में मूवी देखकर आए थे गदर 2 मूवी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इट द थिंग वॉज ऑल अबाउट सनी पाजी, बट फर्स्ट मतलब बिफोर इंटरवल जो फर्स्ट पार्ट था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, मुझे बहुत ओकेज लगा। बट सेकेंड पार्ट मतलब इंटरवल के बाद से एकदम धमाल मूवी था। थोड़ा सा जो है उत्कर्ष शर्मा को, जो मतलब सनी पाजी का सन होता है मूवी में, उनको थोड़ा सा ज़्यादा फुटेज दिया गया था ऑब्वियसली। बट द फैक्ट विच आई केम टू नो, बट मुझे से पता मूवी के बाद पता चला मुझे गदर 1 में जो सनी पाजी का लड़का था बचपन में जिसने किया था पार्ट 1 में, वही है उत्कर्ष शर्मा, उन्होंने ही सेकेंड पार्ट किया। मुझे ये सुन के बहुत लगा, आई वाज शॉक, आई वाज सरप्राइज, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वाह यार मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी रही। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, पूरा जो थिएटर था वो मूवी में चिल्ला रहा था। पाजी सिंह पाजी जब भी आ रहे थे और पीपल वर व्हिसलिंग शाउटिंग, तो ओवरऑल आई वुड गिव इट 8.5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो प्लीज़ टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट डे
लंच हमारा हो गया है, टेस्टी टेस्टी बिरयानी खा के मैं जल्दी से हो गई हूँ रेडी। अभी हम लोग जा रहे हैं, जो हमने न्यू फ्रेंड बनाया है कलकत्ता में लावण्या, उनके पास मानक थोड़ा काम है तो दे विल बी डूइंग दैट। तो चलिए चलते हैं, मैंने सोचा कि चलो व्लॉग करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि आज हमारा दिन कैसे जाता है। इवन आई एम नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। एंड बाहर तो बहुत ज़्यादा से क्लाउडी है सुबह से, इट्स लाइक वेट काइंड ऑफ रेनिंग। फिलहाल तो बारिश नहीं हो रही थी, अभी हम लोग जा रहे हैं तो हम तो अपने बाइक में ही जाएंगे। सो लेट्स गो। यहाँ पे मानस भी हो गया है रेडी, तब चलते हैं। हे गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ लावण्या के पास और ये रही लावण्या। हाय। और वो रेडी हो गई है, हम लोग जाने वाले बाहर ही, हम लोग का फर्स्ट आउटिंग होने वाला है। तो हम लोग जाने वाले हैं क्वेस्ट मॉल। बहुत एक्साइटेड है। हाँ, तो अभी कैब हमने बुक कर दी है, इसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ व्लॉग को। तो हमारा कैब आ गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं कैब के पास। हम पहुंच गए क्वेस्ट मॉल। बोले गुजरात बहुत अच्छा है। हाँ, अभी देखते हैं, हमें बहुत सारे प्लेस एक्सप्लोर करना है। हम घूमते घूमते आ गए हैं लाइफस्टाइल के अंदर, तो चलिए देखते हैं, लाइफस्टाइल एक्सप्लोर करते हैं। कलेक्शन तो काफ़ी सारा है, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑन सेल में दिख रहा था बहुत सारे ड्रेसेस, तो मैं वही देख रही थी। तो एक दो सिलेक्ट करने के बाद फिर जाएंगे ट्रायल रूम। ऑलमोस्ट सब पे सेल था, बट मुझे पर्टिकुलरली जो भी ड्रेसेस या जीन्स वगैरह पसंद आ रहा था वो सारे न्यू अराइवल से थे। सच में बहुत ज़्यादा पोपट हो रहा था, बट कलेक्शन वॉज रियली गुड। लाइफस्टाइल से घूम फिर के हम आ गए थे फूड कोर्ट, क्योंकि मॉल आओ और फूड कोर्ट ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम सबसे पहले गए यहाँ पे, हमें चाट दिख रहा था तो हमने एक प्लेट चाट ऑर्डर किया। लावण्या गई लाने के लिए, एक बार आता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आ गया हमारा पापड़ी चाट, पापड़ी चाट खाते हैं, उसके बाद लावण्या का बर्गर खाना है, जाएंगे बर्गर किंग। तो यहाँ पे सामने बर्गर किंग, लावण्या गई है ऑर्डर देने के लिए। मैंने अपने लिए यहाँ से किया है ब्लूबेरी स्मूदी, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका। इट इज़ 7 o'clock और हमने जल्दी से कैब बुक किया और निकल गए घर की तरफ। घर जाते और फिर कंटिन्यू करते हैं बाकी के ब्लॉग को। घूम फिर के हम लोग पहुँच गए वापस घर में और यहाँ पे मानस और राम भैया के लिए ले लिए मोमोज। हम लोग का तो पेट भरा है, हमने बहुत कुछ खाया क्वेस्ट मॉल में। तो अब चलते हैं और थोड़ा करेंगे रेस्ट, बहुत टायर्ड हो गए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्वेस्ट मॉल अभी रूम जाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हे गाइस, तुम लोग वापस आ गए लावण्या के घर से। वी हैड रियली गुड टाइम, दिस वाज द फर्स्ट टाइम हम कहीं बाहर गए थे साथ में। थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, बट उसे अच्छे से हिंदी आता है तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो वी केम बैक, लाइक हो गया एक आधा घंटा, वी जस्ट गॉट फ्रेशन अप, थोड़ा बैठ कैसे बिग बॉस वगैरह थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहे थे, थोड़ा यूट्यूब इंस्टा यही सब। अभी मानस के लिए डिनर का प्रिपरेशन चल रहा है, जो लंच में बना हुआ था चिकन बिरयानी उसे ही थोड़ा सा गर्म करके मैं सर्व कर दूंगी। पापड़ सैलड मैंने रेडी कर लिया है, मुझे कुछ नहीं खाना, बहुत कुछ खा लिया था मैंने क्वेस्ट मॉल में, आई एम फुल, तो इसीलिए मैं अपना डिनर स्किप कर रही हूँ। आई जस्ट हैव वाटर एंड दैट्स इट, रियली थोड़ा भी जगह नहीं है, तो इसीलिए अब मानस को पहले डिनर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर लिया है चिकन बिरयानी, पापड़ और सैलड कट कर लिया है, सैलड लेकर जाएंगे और उन्हें
डिनर सर्व कर देंगे. Several days later. Hey guys, welcome back to my channel. Today is 15th August and wish you all a very happy Independence Day. So 2023 marks 77th anniversary of India where it gets freedom from the British rule. तो ऐसे कुछ खास तो हमने पूरे दिन में किया नहीं, वो जस्ट अ नॉर्मल डे. बट शाम में हमारे यहाँ बिल्डिंग में लाइक यहाँ जो सोसाइटी है दे हैव अ स्मॉल गेट टुगेदर, तो उसी के लिए हम बस रेडी हो गए हैं. तो चलते हैं नीचे, दिखाते हैं आप लोगों को क्या होता है एंड आई होप सो यू विल एंजॉय द वीडियो. तो यहाँ पे मानस भी रेडी हो गया और हम दोनों ने ऐसे वाइट वाइट पहना है. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. हम आ गए नीचे और नीचे पे लाइन से चेयर वगैरह रखा हुआ है सबके बैठने के लिए. तो हमें मिल गया है यहाँ पे 2 कप कॉफी और 2 प्लेट चिकन पकौड़ा. गाइस हम लोग बस अभी डिनर करके ऊपर आए हैं. मैं आई हूँ, मानस नीचे ही है. हमने मस्त खाया, थोड़ा बातें बातें किए. फर्स्ट टाइम मैंने तो बहुत जन से फर्स्ट टाइम मिली हूँ. तो अभी हमने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, आप लोगों को नाइट लाइफ नहीं कोलकाता इन नाइट दिखाते हैं. तो मैं ऊपर आई थी हेलमेट्स लेने, तो हम जा रहे हैं बस ऐसे थोड़ा PR के लिए, दैट इज़ अगला राउंड. हाँ तो बस हम ऐसे ही थोड़े जाएंगे, देखते हैं सिटी कैसा लाइट अप है ऑन 15th अगस्त. तो चलिए चलते हैं. हम निकल गए अपने बाइक राइड से मानस एंड वी लव दिस नाइट बाइक राइड. आज तो हम थोड़ा जल्दी निकल गए हैं. चलो आप लोग दिखाते हैं कोलकाता रात में. हम अभी सबसे पहले जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल. यहीं से दिख रहा है कितना सुंदर लाइट अप किया हुआ है. अभी पहुंचते हैं विक्टोरिया के सामने और फिर दिखाते हैं आपको. पहुंच गए हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल के सामने. यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं बट यहाँ से पूरा व्यू तो नहीं दिख रहा, बट इट्स लुकिंग सो प्रिटी. है ना, ऐसे तिरंगा वाला जो लाइटिंग किया हुआ है, वेरी नाइस. अभी हम लोग आ गए अपना सेकेंड डेस्टिनेशन, ये है प्रिंसेप घाट. और हम गए थे हावड़ा ब्रिज की तरफ, वहाँ से होके राउंड मिलेनियम पार्क से साइड से. बट हमें लगा था हावड़ा ब्रिज का वहाँ पे तिरंगा वाला जो लाइटिंग है वो होगा. लास्ट ये हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं था, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत जो भी क्लिप्स है जो आपने देखा हमने वहाँ थोड़ा सा शूट किया. अभी हम आए हैं यहाँ पे प्रिंसेप घाट के. गेट तो ऑब्वियसली बंद हो गया, इट इज़ 11:30 नाउ, बट हमने बाहर से ही थोड़ा बहुत वीडियो कर लिया. अब चलते हैं घर. The next day. Hey guys, good morning. Today 16th of August. कल रात में मुझे लेट आए थे, उसके वजह से कुछ व्लॉग नहीं किया.
आज का दिन भी मैं कितना ब्लॉग कर पाऊंगी, बट शाम को मानसिक फ्रेंड आ रहे हैं बाहर से, मे बी विल गो आउटसाइड समवेयर। तो वैसे तो डिसाइड हुआ कि हम साउथ सिटी जाएंगे, बिकॉज साउथ सिटी में सब कुछ है। लाइक अगर हमें फूड कोर्ट में बैठना हो या लाइक देयर आर मेनी प्लेसेस चिलीज वगैरह, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा भी होगा आप लोग देखोगे वीडियो में। कीप वॉचिंग। ये अभी डिसाइडेड कि हम लोग चिलीज चलेंगे। बहुत दिन से मैंने सुना था मानस को बहुत पसंद है यहाँ का बर्गर, तो लेट्स ट्राई। दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन चिलीज, सो लेट्स डिग इन। बहुत कुछ ऑर्डर किया है। सबसे पहले आ गया था हमारा बाबी की चिकन विंग्स, देन चिकन कैसला, उसके बाद यहाँ का फेमस बर्गर विच इज़ ऑफ विद फ्राइज। तो इतना बड़ा होता है, वी हैव डिवाइडेड इनटू टू एंड नाउ बस टूट पड़े।